अब हम आपको बताते हैं वित्त मंत्री ने आम बजट में किसानों और कृषि के लिए क्या अहम घोषणाएं की। साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदने की योजना। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम किया जाएगा। साथ ही कृषि क्षेत्र में पोषण युक्त खेती के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। 2021-22 में 1000 MLT धान की खरीद की जाएगी। इससे 1 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। केन बितवा परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। इससे 9 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबे को सिंचाई का पानी प्राप्त होगा। योजना के जरिए 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए राज्य सरकारों और MSME के साथ लेकर व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा। तिलहनों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। साथ ही तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना चलाई जाएगी। गंगा कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सुविधाएं प्रदान करने के लिए PPP मॉडल में योजना की शुरुआत की जाएगी। प्राकृतिक जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम has provided the much needed additional credit to more than 130 lakh MSMEs. This has helped them mitigate the adverse impact of the pandemic. The hospitality and related services, especially those by micro and small enterprises, are yet to regain their pre-pandemic level of business. Considering these aspects, the ECLGS will be extended up to March 2023 and its guarantee cover will be expanded by 50,000 crores of rupees to total cover of 5 lakh crores. Corona काल में MSME यानी हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे, अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ भारत के MSME सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल इससे जोड़ेंगे हम इसको। हमने कहा कि हमारी फसलों को भी डिजिटल से जोड़ दो। गन्ना है, 23 फसलें हैं, आप इसको जोड़ो। और लेकिन उससे पहले इनको MSP गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का हम इसमें एग्रीकल्चर बजट हम लेकर आ रहे हैं, वो अलग अलग मद में ये देंगे। अभी उसका पता चल जाएगा किस किस मद में वो देंगे। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि राज्यों के विश्वविद्यालयों में कृषि पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जाएगा। इससे छात्र आधुनिक और जीरो बजट की खेती के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। जाहिर है मोदी सरकार ने बजट में किसानों को लेकर जो घोषणाएं की उससे खेती को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा, जिससे पारंपरिक तरीके की खेती करने में बड़ा बदलाव हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
जिस एमएसपी को लेकर सबसे ज्यादा बवाल है, आपको उसके बारे में ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से समझा देते हैं, बताते हैं कि क्या है ये जिसका जिक्र किया जा रहा है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या फिर हिंदी में इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, और ये केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है, इसे ही एमएसपी कहते हैं। सरकार एमएसपी तय करती, यानी वो फसल उस कीमत से कम पे नहीं बिकेगी। बाजार में फसल की कीमत कम होने पर भी उसी हिसाब से सरकार इस फसल को खरीदती है। इससे किसानों को अपनी फसल की तय कीमत के बारे में पता चल जाता है कि उसकी फसल की तय कीमत क्या है। एमएसपी एक तरह से फसल की कीमत की गारंटी होती है जो सरकार देती है किसानों को। सरकार अनाज, दलहन, तिलहन और बाकी कुछ फसलों पर भी एमएसपी देती है। अनाज वाली फसलें जो हैं वो धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी और जौ हैं। इसके अलावा दलहन की फसलें चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर हैं जिन पर एमएसपी सरकार तय करती है। तिलहन फसलें सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, नाइजर, ये तिलहन फसलें हैं जिस पर सरकार तय करती है एमएसपी। बाकी फसलें गन्ना, जूट, कपास और नारियल हैं जिन पर सरकार एमएसपी तय करती है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है जिस पर वो फसल बेची जाती है। राहुल लाल जी, सरकार ने डिजिटली किसानों को जोड़ने की, डिजिटल व्यवस्था की बात की है, इसके क्या फायदे होंगे? और जो एमएसपी का जिक्र किया गया है जो किसान के खाते में सीधे पहुंचेगा, क्या इससे किसानों की स्थिति इस देश में सुधरेगी? देखिए, डिजिटली उनके अकाउंट में पहुंचेगा, इसका स्पष्ट मतलब है कि कहीं कहीं पूरे व्यवस्था में पारदर्शी स्थिति आएगी। तो सरकार का जो ये कदम है कि उन्होंने एमएसपी के पैसे को सीधे सीधे उनके अकाउंट में भेजने का काम किया है, जो ये निर्णय लिया है, ये बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है कि इससे बीच के बिचौलिए घटेंगे अर्चना जी, तो ये एक अच्छा कदम है। सरकार इसके साथ ही साथ ये भी कह रही है कि बड़े भारी मात्रा में इन्होंने जो है कि पहले की तुलना में खरीद बढ़ाई है, वो भी स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जो मूल मामला फंसा हुआ है, वो फंसा हुआ है मामला की अगर इन तमाम चीजों को कर रहे हैं तो फिर एमएसपी गारंटी कानून को लेकर जो किसान संगठन सामने में थे, 15 जनवरी तक की एक डेडलाइन थी, उसको लेकर एक कमेटी का गठन होना था, उस कमेटी का गठन अब तक नहीं हो पाया है। और माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री होते थे तभी उन्होंने जो है कि एक तरह से इसको एमएसपी गारंटी कानून की बात कही थी। तो अगर एमएसपी गारंटी कानून से संबंधित तो कुछ और चीजें हो जाती तो हमें लग रहा है कि ये पूरा का पूरा एक फुल पैकेज बन जाता। क्योंकि देखिए, शांता कुमार कमेटी अभी भी कह रही थी कि भाई 6% किसानों को ही मिल पाता है, 94% किसानों को नहीं मिल पाता है। हो सकता है कुछ आंकड़े में कुछ बदलाव आए होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मैं जरूर कहूंगा, उनसे निवेदन भी करूंगा कि जब आप इतने रिकॉर्ड स्तर पर खरीदारी कर ही रहे हैं तो फिर किसानों को एक एमएसपी गारंटी की कानून दे दीजिए। इस बात का जवाब प्रोफेसर मालवीय से लेते हूँ। राहुल लाल जी, प्रोफेसर मालवीय, जिस तरह से राहुल लाल कह रहे हैं कि अगर एमएसपी गारंटी कानून का जिक्र भी सरकार करती तो ये पूरा पैकेज हो जाता, ये बात किसान नेता भी कह रहे हैं। देखिए, किसान नेता तो कहे कि हमें चार निकाल करके दे दो, वो संभव नहीं है। और इस देश की अगर पूरा हम देंगे तो जो एक आंकड़ा आया है, करीब 37 लाख करोड़ का पूरा उत्पादन हमें खरीदना होगा, और इतना अगर खरीदेंगे तो बाकी विकास कार्य किस तरह करेंगे, फिर रोड किस तरह बनेगी, हमारी सेना, हमारी रक्षा व्यवस्था, हमारी हथियार खरीदी, और मेक इन इंडिया के तहत पूरी दुनिया के साथ हमें चलना है, हम एक विकसित राष्ट्र बनने जा रहे हैं, एक दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश हम है, तो हमें हमारी रक्षा व्यवस्था भी उसी तरह करना होती, तो ये सारा खर्च कहाँ से निकलेगा? क्या केवल हमें किसानों से अनाज खरीदना है और उसे बांटना है, इतना ही करना है? आप देखिए, पिछली बार, पिछले साल कल राष्ट्रपति का अभिभाषण आपने देखा होगा, 433 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा और 900 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, यानी बड़ी मात्रा में खरीद का काम किया है और ये बहुत बड़ा है। तो एमएसएमई खत्म नहीं, एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको कानून का रूप देने से उसका नुकसान किसानों को होगा कि उससे कम में कोई खरीद नहीं पाएगा। जी प्रोफेसर मालवीय, राहुल लाल जी, 30 सेकंड में, ये वाकई संभव नहीं है कि क्या सरकार हर फसल पर एमएसपी तय कर सकती है? नहीं, देखिए, सरकार ने जिन 23 फसलों पर किया है, देखिए ये जो आंकड़े कहे जा रहे हैं 17 लाख 34 लाख करोड़, देखिए
हमें समझना पड़ेगा कि आप एमएसपी गारंटी कानून बना रहे हो, इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं मानना चाहिए सांसद महोदय कि आप सारा का सारा फसल ये कि वो सरकारी खरीदेगी, यानी एक वो रेफरेंस प्राइस होगा जहाँ पे कि अगर निजी सेक्टर को भी खरीदना है, जो बड़ी बड़ी हम लोग जो निजी सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो भी जब खरीद करेंगे तो उससे नीचे के मूल्य पर नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कभी अलग अलग धान का ही मूल्य है 1900 रुपया पे है, लेकिन अलग कहीं पे 1000 में बिक रहा है, कहीं 1100 में बिक रहा है, कहीं 1200 1300, तो वो जो किसानों को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो। देखिए आपने खरीद बढ़ाई है इसको तो स्वीकार कर ही रहे हैं, ये एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन उस पे सारे लोग नहीं आ रहे घेरे में। इससे अगर इसके ऊपर वो जो कमेटी बनाने का जो आपने आश्वासन दिया था उस पर परिपूर्ण, चलिए इस पे कमेटी बनेगी, मांग है लंबे समय से, लेकिन सरकार हमेशा से एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कुछ कि इससे नुकसान होगा अर्थव्यवस्था को, सरकार के लिए शायद ये संभव नहीं है कि वो हर फसल पर एमएसपी तय कर पाए। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में खेती को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही। सबसे क्रांतिकारी बदलाव खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर है। ड्रोन के इस्तेमाल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे समय की बचत के साथ साथ लागत में भी कमी आएगी। हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि ड्रोन का इस्तेमाल खेती में किस तरह से किया जा सकता है। केंद्र सरकार हाईटेक संसाधनों के जरिए खेती में किसानों को कम मेहनत में ज्यादा लाभ दिलाने पर फोकस कर रही है। इसके लिए एग्रीकल्चर में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट भाषण में इसकी घोषणा की। सरकार का मानना है कि ड्रोन के इस्तेमाल से किसानों के समय की बचत होगी और लागत में भी कमी आएगी। इसके अलावा भी कई अन्य फायदे बताए जा रहे हैं। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कुछ दिन पहले SOP भी जारी किया था। फॉर डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज टू फार्मर्स विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूशंस अलोंग विद प्राइवेट एग्री टेक प्लेयर्स एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ एग्री वैल्यू चेन्स अ स्कीम इन PPP मोड विल बी लॉन्च्ड। यूज ऑफ किसान ड्रोन्स विल बी प्रमोटेड फॉर क्रॉप असेसमेंट, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। हम आपको बताने जा रहे हैं कि खेती में ड्रोन का इस्तेमाल किन किन चीजों के लिए किया जाता है, ड्रोन के लिए किसानों को क्या करना होगा। कीटनाशक और खाद के छिड़काव के साथ साथ फसलों की बुआई के लिए एग्री ड्रोन इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शामिल होने से फसल की मॉनिटरिंग और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी किया जाता है। फसल कितनी होगी इसका भी सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। जनसंख्या के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को अन्न सुरक्षा देना बेहद चुनौतीपूर्ण है, इसलिए जरूरी है कि पारंपरिक खेती की बजाय आधुनिक और तकनीकी खेती का विस्तार हो। हम आपको बताते हैं कि एग्रीकल्चर ड्रोन के एप्लीकेशन क्या है। क्रॉप साइकिल की शुरुआत में ड्रोन साइल और फील्ड एनालिसिस के लिए 3D मैप तैयार करते हैं, इससे बुआई में मदद मिलती है। इसके बाद किए गए सॉइल एनालिसिस से सिंचाई नाइट्रोजन लेवल मैनेजमेंट के लिए डेटा मिलता है। ड्रोन जमीन को स्कैन कर सकते हैं और सही मात्रा में कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं, इससे केमिकल की मात्रा कम हो जाती है और पारंपरिक तरीके से छिड़काव की तुलना में काम 5 गुना तेजी से होता है। ड्रोन एक पक्ष है, बाकी इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो खेती के क्षेत्र में काम आती है और उसके लिए भी सरकार काम कर रही है, पहले से भी कर रही है, इस बजट में भी उसके लिए प्रावधान है। चूंकि ड्रोन के लिए के उपयोग के लिए कोई पॉलिसी अभी तक देश में नहीं थी, पिछले बार जब टिड्डी आई थी तो स्वाभाविक रूप से हम लोग जो उसको दवा छिड़क के मारने की व्यवस्था थी वो वाहन पर जाकर हमारे कर्मचारी करते थे, तो टिड्डी का एक आक्रमण काफ़ी 30 साल बाद था देश में और काफ़ी व्यापक एरिया को उन्होंने घेर लिया था, तो उस समय फिर हम लोगों ने कोशिश की हेलीकॉप्टर का भी उपयोग करें, ड्रोन का भी उपयोग करें, लेकिन ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। तो उस समय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के परिणाम स्वरूप हम लोग सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री से अनुमति लेकर ड्रोन का उपयोग किए थे।
वो प्रधानमंत्री जी ने अब ड्रोन का उपयोग सब जगह किया जा सके इसके लिए भारत सरकार ने पॉलिसी अपनी निर्धारित कर दी। हालांकि जरूर कहा गया कि कृषि उपकरण जो है वो सस्ते होंगे, तो वो देखना की बात होगी कि आने वाले समय में कितना सस्ते होते हैं, क्योंकि ये भी अगर सिर्फ एक तरह का आडंबर बना के छोड़ दिया जाएगा कि कृषि उत्पाद जो हैं और कृषि उपकरण जो सस्ते हो गए लेकिन उनमें कोई बहुत ही न्यूनतम कमी की गई तो इसका लाभ हम लोगों को नहीं मिलेगा। एक अच्छे स्तर पर सब्सिडी के साथ या तो बहुत अच्छी कमी करके ताकि हम किसान अपनी खेती को अच्छे तरीके से कर पाएं, ये अच्छा कदम है लेकिन अगर उसको सुचारू रूप से और सही ढंग से लागू किया जाए। खेती की बढ़ती लागत और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी किसानों को खेती से नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी के जरिए की गई प्रेसिजन फार्मिंग देश के किसानों को बेहतर विकल्प दे सकती है। ड्रोन का इस्तेमाल कर किसान लागत में भी कमी और समय की बचत कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। पारंपरिक तरीके से कीटनाशकों का छिड़काव करने से किसान की हेल्थ पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ड्रोन के इस्तेमाल से इससे बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ड्रोन के इस्तेमाल से खेती में कैसे क्रांतिकारी बदलाव लाए जा सकते हैं। ये आप समझिए कि खेती में किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है। खेत बड़ा होने पर निगरानी करना मुश्किल होता है, क्रॉप मॉनिटरिंग मुश्किल होती है, मौसम खराब होने पर और भी बड़ी चुनौती होती है, ये चुनौती भरा काम होता है। क्रॉप मॉनिटरिंग ड्रोन सटीकता से क्रॉप मॉनिटरिंग कर सकता है, यानी अगर ड्रोन है तो आसानी होगी क्रॉप मॉनिटरिंग में। ड्रोन खेत के कौन से हिस्से सूखे हैं इसकी पहचान भी कर सकता है, यानी बड़ा खेत है तो ड्रोन आसानी से पहचान कर सकता है कौन से हिस्से सूखे हैं। हाइपर स्पेक्ट्रल, मल्टी स्पेक्ट्रल या थर्मल स्पेक्ट्रल, ये तीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन से हिस्से सूखे हैं इनकी पहचान कर सकता है। सिंचाई के लिए बेहतर तकनीक का किसान वहां पर इस्तेमाल कर सकता है और अलग अलग स्पेक्ट्रल जो हैं उनको सेंसर द्वारा समझकर वहां पर किसान उस हिसाब से खेती कर सकता है। साथ ही बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से फसल खराब हो सकती है और अगर निगरानी होगी दूर तक तो ये किसान को पता लग जाएगा। ड्रोन से फसल को विजिबल और इंफ्रारेड लाइट के जरिए स्कैन किया जा सकेगा। ये तमाम फायदे हैं जो होंगे ड्रोन के जरिए जब किसान निगरानी कर पाएगा, यानी जो पारंपरिक खेती के तरीके हैं उनमें बदलाव हो और ज्यादा से ज्यादा किसान को लाभ हो, ये कोशिश की गई है। हमारे मेहमान राहुल लाल और प्रोफेसर मालवीय हमारे साथ बने हुए हैं, उन दोनों से बात करेंगे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। राहुल लाल जी, जिस तरह से ड्रोन के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है, क्या ये पारंपरिक खेती में बदलाव का तरीका है ताकि किसानों को जो नुकसान होता है वो कम से कम हो और तकनीक का फायदा किसानों को पहुंचे? देखिए, किसानों के आमदनी को बढ़ाना है तो कृषि का आधुनिकीकरण हम लोगों को करना पड़ेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी को जो ग्राफिक्स के माध्यम से आपने समझाया उससे उसकी सारी विशेषताएं बिल्कुल स्पष्ट है। जो देखिए, इस बजट के अतिरिक्त भी मैं कहूँ की भारत सरकार ने इजराइल के साथ कृषि के आधुनिकीकरण को लेकर या फिर कई सारे अन्य यूरोपीय देशों के साथ भी कृषि के आधुनिकीकरण को लेकर समझौते किए हैं तो, लेकिन वो जमीन पर ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। तो एक तरह से बजट में जो विजन रखा गया है वो विजन काफी अच्छा है लेकिन इसके साथ कुछ समस्याएं जुड़ी हुई है। समस्या है कि जैसे इस बार जो एग्रीकल्चर सेक्शन से सरकार ने जो बजट आवंटित किया है वो टोटल अगर हम लोग जीडीपी का देखें तो पिछले साल के तुलना में उसमें 0.5% की कमी है। सरकार ये अपेक्षा करती है कि इसमें निजी क्षेत्र भी आएगा और वो भी काफी मात्रा में निवेश करेगा, लेकिन कल जो आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की गई उस आर्थिक समीक्षा से यह स्पष्ट था कि अभी जो है कि जो खर्च करने के मामले में वो कहीं कहीं निजी सेक्टर अभी जो है प्राइवेट सेक्टर वो पीछे है, सरकार को अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे समय में इतने अच्छे योजनाओं को जब आप लेके आ रहे हैं तो कहीं कहीं आपको बजट का आवंटन में और ज्यादा वृद्धि करने की जरूरत थी, वो वृद्धि करते और साथ ही साथ आप थोड़ा निजी क्षेत्र को आप जोड़ के उसको आपको और प्रोत्साहित करना पड़ेगा तो फिर हम लोग इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, परंपरागत ढंग से जब आप खेती करते हैं तो उसकी एक सीमा होती है, वो उसमें उससे ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा सकता। जी प्रोफेसर मालवीय, विजन अच्छा है लेकिन क्या वाकई जमीनी स्तर पर ये हो पाएगा और कृषि बजट में कमी, ये भी एक सवाल है। देखिए, सरकार इन सब चीजों से बहुत आगे सोचती है और इसीलिए उन्होंने चेन बनाई। हमको कृषि का आधुनिकीकरण भर नहीं करना है, हमको वास्तव में कृषकों को एक उत्पादक यूनिट के रूप में बदलना है और इसलिए सरकार का बार बार आग्रह है कि हमारे किसानों को फूड प्रोसेसिंग की ओर जाना पड़ेगा। सरकार ने पर्याप्त पैसा इस क्षेत्र में डाला है। आप देखिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए बहुत बड़ी मात्रा में 40% तक का अनुदान सरकार दे रही है।
गोडाउन, बार बार ये बात आती है कि जब फसल आती है तो फसल सस्ती रहती है, जब वो समय चला जाता है और फसल व्यापारी के पास चली जाती है तो महंगा हो जाता है वही वाली क्राफ्ट। तो भैया सरकार ने इसीलिए बड़े बड़े गोडाउन बना करके दिए, छोटे गोडाउन के लिए पैसा देना शुरू किया, पूरी चेन बनाने के लिए बड़ा पैसा इसमें डाला है। और इसलिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कृषि से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने की दिशा में सरकार ने काम किया है, ये ज्यादा कारगर है, इसके रिजल्ट आएंगे। हो सकता है 2-3 साल इसमें लग जाए लेकिन वो बहुत स्थायी रिजल्ट होंगे। हम केवल इन्हीं बातों को लेकर के कि इसमें छूट है या उसमें छूट है, ये किया या ये नहीं किया, इसकी बजाय हम लंबा सोचेंगे तो निश्चित रूप से किसानों का उद्धार होगा और कृषि के क्षेत्र में पैसा भी आएगा और उनकी आय बढ़ेगी। तो हर दृष्टि से बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली सरकार ने सोचने का काम किया है। प्रोफेसर मालवीय, सभी उम्मीद कर रहे हैं कि ये बजट जो है वो किसानों के लिए भी खुशखबरी लेकर आएगा, जो घोषणाएं की गई हैं, जो बातें कही गई हैं, वो जमीनी स्तर पर भी लागू होंगी, तभी इसका असली फायदा लोगों तक पहुंच पाएगा। राहुल लाल जी आपका, प्रोफेसर मालवीय आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम इंडिया के लोग में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे हम इंडिया के लोगों के नजरिए से कुछ और खबरों को लेकर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।